लोन एक जमाने में इंडिया ने भी लिया, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से करप्शन होते हुए और वो उसमें से निकल गया भारत और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी। कि ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो प्लान है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैं ये नहीं कहता कि जी इंडिया के लिए बहुत पैसा है, पाकिस्तान के लिए बहुत पैसा है, बल्कि ये जिस मुल्कों में डॉलर बनता और चलता है, अमरीका में, उसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा पैसा है। ऑल द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर वर्किंग इन टैंडम फॉर द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में वो जो बहुत बड़ा फर्क है, स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत जिस तेजी से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, उसे देखकर हर भारतीयों का सीना यकीनन चौड़ा होता है। दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया में हुए G20 समिट पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडोनेशिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से एक कार्यक्रम में मुलाकात किया। इस कार्यक्रम में मोदी जी ने 2014 से भारत की तरक्की और तमाम कामयाबियों के बारे में बताया। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पीएम मोदी जी को इंडोनेशिया रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए। अब क्या चीजें जो वेस्टर्न कंट्रीज में किसी जमाने में हुआ करती थी, अब वो शिफ्ट होके एशिया में आ रही है और एशिया में फिर हिंदुस्तान में आ रही है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर वन है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर वन है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर वन है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर वन है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर वन है। आज हमारा पेमेंट मार्केट इज मोर देन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड चाइना पुट टुगेदर। हमने जितने लोगों को खाना खिलाया, दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मीना, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका जिसे कहते हैं मीना, पुट टुगेदर उससे ज्यादा लोगों को हमने कोविड में खाना दिया। तो आज हम चीजों को वर्ल्ड स्टेज पे बड़े बड़े कंटिनेंट्स और कंट्रीज के साथ बेंचमार्क कर रहे हैं। और पीछे जो हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, LCA, LCH, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G, अपना फार्मा, और हमारा एक नया स्पेस सेक्टर उभर रहा है, वेयर वी आर नंबर 3rd इन द वर्ल्ड टुडे, दैट इज स्पेस। आज के डेट में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। इंडियन रेलवे इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। हमारा रेलवे ईश्वर की कृपा ऐसी प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, और सबसे चीपेस्ट गुड और पैसेंजर फेयर हम दुनिया में देते हैं, जबकि सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा। सो देर आर अराउंड 8 to 9 सेक्टर्स वी आर डूइंग फॉर द वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया अपने लिए नहीं बना रहा, इंडिया सबके लिए बना रहा। क्योंकि आपने मुझे पूछा था हाउ इज इंडिया डिफरेंट, मैंने कहा अगर आप सबके लिए बनाएंगे, सबको साथ लेके बनाएंगे, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। इंडिया इज नाउ वर्किंग ऑन 700 प्रोजेक्ट्स एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 700 कोलैबोरेटिव डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है। कि जब हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं तो जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटी, क्लियरली सिग्नलिंग के Yes, we are becoming a world leader, but we are not going to be hegemonic. हम dominate नहीं करेंगे इस तरह से China और Western मुमालिक। आपको पता third biggest investor कौन है UK में? Third biggest investor is India. Third biggest investor in UK is India, sir. और दूसरी चीज आपको चमत्कार बताऊं उनका, हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स उनका 18वां नंबर है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में वो जो बहुत बड़ा फर्क है, स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। लोन एक जमाने में इंडिया ने भी लिया, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से करप्शन होते हुए और वो उसमें से निकल गया भारत और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, लेकिन हम उसमें से क्यों निकल नहीं पा रहे जैसे भारत निकल गया। मेटाफर देता हूँ मैं आपको छोटा सा, इमेजिन करें कि आपके पास टांगा है, अगर आपके पास 4 घोड़े हैं, अगर वो एक ही तरफ टांगे को खींच रहे हैं तो वो जरूर जाएगा, दौड़ेंगे। अगर 2 घोड़े इस तरफ खींच रहे हैं, 2 घोड़े उस तरफ खींच रहे हैं, तो टांगा टूट जाएगा। तो पाकिस्तान में जो फोर्सेस है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह
द्वारा वो टांगे को इधर उधर खींच रहे, तो जा कहीं ना। तो इंडिया के साथ ये हुआ है कि शुरू में जो घोड़े थे बड़े सुस्त थे, अब तेज हो गए हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। खासतौर से जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, इंडिया समझ गया कि इट हैज टू जॉइन द ग्लोबल इकोनॉमी, और बहुत तेजी से 91 से 96 तक इंडिया ने लिबरलाइज किया, इट बिकेम पार्ट। तो इंडिया के घोड़े अब तेजी से चल रहे हैं। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक में खाते खोले। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं, यानी पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू मोर देन 200 कंट्रीज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड एंड 1/3 ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एवरी थर्ड अमेरिकन लिव्स एंड सर्वाइव्स बाय इंडियन मेडिसिन एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। यानी कि आप तिम्बकतू से कंपेयर करो, एक छोटा सा जजीरा से कंपेयर करो, एंड वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। ये टैंजिबल चीज है, हम दुनिया के स्टेज पे हम अपनी डेवलपमेंट को अब कंटिनेंटों के साथ बेंचमार्क करते हैं। ये नहीं कहा कि मुझे दुनिया से क्या चाहिए, he was talking about हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। We talked about India providing food वगैरह, गंदम की जो इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है मुल्कों को। He talked about vaccines। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। इंडिया हैज बिकम वेरी क्लियर, इट इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डेवलपमेंट। ये इसके दो गोल है एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। दे वांट अ हायर स्टैचर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दे वांट द वर्ल्ड टू रेस्पेक्ट देम, बट दे आल्सो वांट टू हैव अ से इन हाउ द वर्ल्ड इज रीडिजाइंड। तो उस पे पूरा तवज्जो है, इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स आर मोर ऑर लेस ऑन द सेम पेज। 4 डायमेंशन होते डेमोक्रेसी के, मीडिया, पॉलिटिक्स, आर्मी, डिप्लोमेट्स, ऑल द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर वर्किंग इन टैंडम फॉर द सुप्रीम नेशनल interest. We can talk, we can walk, we can dine, we can wine. But our gunpowder is always dry. आज भारत अंतरिक्ष में प्रमुख वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो भारत दशकों तक केवल विदेशी आयात पर निर्भर था, वो आज अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर प्लेन, इनका आकर्षण विश्व में लगातार बढ़ रहा है। अगर आप हमारी रेटिंग देखे, डॉइश बैंक का सीईओ हमारे बारे में क्या कहता है, इंडिया इज द शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जेपी मॉर्गन का सीईओ कल परसों क्या कह सेम कह रहा था, स्टेट बैंक का सीईओ क्या कहता है, एग्जैक्टली सेम कहता है। और वो कहते हैं कि जहां यूके में कम से कम एक डेकेड 10 साल तक का फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। ये डॉइश बैंक का सीईओ कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये जेपी मॉर्गन कह रहा है, ये स्टेट बैंक के सीईओ कह रहे हैं। तो ये एक नेशनल लेवल की सोच है, हाउ टू मेक नॉट अ स्टेट, नॉट अ टाउन, नॉट अ कस्बा, बट इंडिया एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। यही मोदी जी ने एससीओ में कहा था जी जिनपिंग को, इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। चाइना से कंपनियों को निकलना, उनके पास वियतनाम भी है, बांग्लादेश भी, और भी ऑप्शन है। बट वाइबल ऑप्शन क्या, वाइबल ऑप्शन होती है फखर भाई, जहां आपको जमीन मिले, लेबर कॉस्ट सस्ती हो, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों मिले, आपको एयरपोर्ट मिले, आपको ट्रेड कॉरिडोर मिले, आपको स्टोरेज मिले, आपको रॉ मटेरियल मिले, और आपको मार्केट भी मिले। हम मार्केट भी तो है ना किसी के लिए, और आपके पास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये जो 10-12 चीजें जो मैंने आपको गिनाई, अगर इनका एक रेडीमेड ऑप्शन देके एशिया में, तो सीधा सीधा इंडिया आता, क्योंकि चाइना गेम से बाहर आ जा चुका है। हम इस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर रहे हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र
आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है, आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।